यूपी के रामपुर में आज वीर खालसा सेवा समिति की तरफ से ब्लड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कृषि मंत्री बलदेव सिंह ओलक के बेटे गुरु कीरत सिंह जो है आज पहुंचे और उन्होंने जो है ब्लड डोनेशन में जो है भाग लिया, साथ ही एकता का और इंसानियत का संदेश दिया। बताया जाता है कि ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है, कोई हादसा होता है तो ब्लड तत्काल नहीं मिल पाता, तो रामपुर के जिला अस्पताल को ब्लड डोनेशन जो है करने के बाद उनकी जान बचाई जाती है। आपको बता दें वीर खालसा सेवा समिति लगातार समय समय पर ब्लड कैंप लगाकर लोगों की जान बचाने का काम किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे 4 शहीद हुए थे, उसी की याद में जो है ये ब्लड कैंप लगाया जाता है और इंसानियत का संदेश दिया जाता है। वीर खालसा सेवा समिति लगातार कैंप लगाकर सेवा भाव से काम कर रही है, जिसमें आज खुद बलदेव ओलक के बेटे गुरु कीरत सिंह ओलक खुद पहुंचे और उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर वहाँ पहुँचने के बाद जो है ब्लड दान किया, साथ ही दूसरों को जागरूकता भी जो है की गई। इस मौके पर वीर खालसा सेवा समिति के चेयरमैन निर्मल सिंह ने जो है उनको शाल पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर जो है सम्मानित किया, साथ ही उनके दोस्त मेयर सिंह भी उनके साथ में थे। इस मौके पर क्या कहते हैं गुरु कीरत सिंह, आप खुद ही सुनिए। आज जैसा कि हमारे मतलब शहीदी पर्व चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में वीर खालसा समिति द्वारा जो वीर बाल दिवस पे पिछले काफ़ी दिनों से एक समिति अपना ये इस तरीके के कार्यक्रम उनकी याद में कर रही है, आज ब्लड कैंप का जो आयोजन किया गया है उसमें मुझे मुख्य अतिथि पे रखा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी पिछले सोशल मीडिया के माध्यम से अब जागरूकता लोगों में आई है, क्योंकि ये बहुत जो दिन चल रहे हैं ये किसी के जो बलिदान है छुपाया नहीं जा सकता है, तो ये कार्यक्रम जो लग रहे हैं वो प्रेरणा देने के लिए बन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ अपने आप आके ब्लड देने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब ऐसा भाई जिसमें साहस होगा वही कराएगा, तो इनमें है तो ये करा रहे हैं, लेकिन कराना सबको चाहिए, जो भी अपने युवा हैं आगे बढ़ के और भी कार्यक्रम कराना चाहिए इन्हें देखते हुए। छोटे छोटे साहिबजादे जिनकी इन दिनों शहीदी प्राप्त कर गए थे उन्हीं को समर्पित 23 तारीख को हमने जिला अस्पताल में चाय का वितरण किया था, 24 तारीख को इसी गुरुद्वारे में जरूरतमंदों को लिहाफ और कंबल वितरित किए थे, 25 तारीख को एक दूध का स्टॉल, बहुत बड़े पैमाने पर लंगर और बिस्कुट वितरण हमने रेलवे स्टेशन पर करे थे। कल हमने जो 26 तारीख थी जरूरतमंद बच्चे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे उनको यहाँ बुलाकर काफ़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चे थे, उनके तन पे कपड़े भी नहीं थे, उनको हमने कपड़े मुहैया कराए, पहले उनको लंगर छकाया यहाँ पे पंक्ति में बैठा गए, फिर उनको कपड़े वितरण किए। आज ब्लड डोनेशन कैंप है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गुरु कीरत सिंह ओलक यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने भी अपना ब्लड डोनेट किया है, आज अंतिम दिन है और इसी क्रम में आज ब्लड डोनेट कार्यक्रम आपके सामने चल रहा है। अच्छा वीर जी, ये बताइए कि वीर खालसा सेवा समिति गरीबों के कांधे से कांधा मिलाकर चलती आ रही है और उसका स्थापना दिवस भी आ रहा है, तो क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, आज के बाद पहली तारीख से जो वीर खालसा सेवा समिति का स्थापना दिवस है जो धूमधाम से मनाया जाता है उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी और बड़े स्तर से उसको मनाया जाएगा, उसमें भी जरूरतमंदों को कंबल, सिलाई मशीनें, साइकिलें वितरण की जाएंगी हर साल की जगह, और आप पत्रकार भाई भी उसमें सारे मौजूद रहते हैं, उनका भी सम्मान होता है और भी गणमान्य लोग, नेतागण, अधिकारी जितने भी होते हैं उस प्रोग्राम में आते हैं और शिरकत करते हैं और हमारी समिति का हौसला अफजाई करते हैं।